जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या का, साहस का, धैर्य का स्वरूप मानी जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मा का ही स्वरूप माना जाता है और जो भक्त बहुत ही निष्ठा के साथ, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ माँ के इस व्रत को करते हैं, माँ उनकी सभी मनोरथ को पूरी करती हैं। माँ के इस कठिन व्रत को करने से माँ हमारे अंदर साहस, धैर्य, बल, इन सब की हमारे अंदर एक शक्ति प्रदान करती हैं। तो ये कथा इस प्रकार है कि पुराने समय की बात है, ये एक मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी हिमालय राजा के यहाँ पुत्री बनकर पैदा हुई। जब माँ ने थोड़ा सा होश संभाला, उन्होंने नारद ऋषि से शंकर भगवान के बारे में उन्होंने उनकी कथाएं सुनी, तब से माँ ने ये ठान लिया कि उन्हें पति के रूप में शंकर भगवान ही चाहिए। माँ ने इसके लिए अपना घर त्याग दिया, अपनी जो एक सुखमय जिंदगी थी माँ ने उसको त्याग दिया और त्याग कर माँ हिमालय पे चली गई और वहाँ माँ बैठकर तपस्या करने लगी। 1000 साल तक माँ ने सिर्फ फल खाकर और बेलपत्र खाकर, इस तरह की चीज़ें खाकर माँ ने व्रत रखा। उसके बाद माँ ने और कठिन परिश्रम किया और कठिन व्रत किया। माँ ने 3000 साल तक, जो बेलपत्र होते हैं जो हम सावन के टाइम में हम शिव जी को अर्पण करते हैं, कहा जाता है कि शिव जी का सबसे प्रिय भोजन है बेलपत्र जो हम उन्हें अर्पण करते हैं, तो माँ ने पेड़ से गिरा हुआ जो सूखा बेलपत्र था माँ ने वो खाना स्टार्ट किया। माँ वो खाकर व्रत करती थी और थोड़े समय बाद क्या हुआ, माँ ने उस सूखे बेलपत्र को भी खाना त्याग दिया और माँ बस चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कितनी भी संकट आए, माँ अपने कठिन तप को, अपने कठिन जो उनका व्रत था उसको माँ ने किया। कुछ समय बाद जब ऋषि मुनि देवी देवताओं ने देखा कि माँ हार नहीं मान रही हैं, माँ इतना तपस्या कर रही हैं, इस तपस्या की वजह से माँ का शरीर एकदम सूखते जा रहा था, माँ काफ़ी ज़्यादा दुबली पतली हो गई थी और इस वजह से माँ का नाम अन्नपूर्णा भी रखा गया, माँ को अपर्णा नाम से भी जाना जाता है। और फिर ऋषि मुनि ने, सब ने माँ को ये कहा, आश्वासन दिया कि हे देवी, आप जितने कठिन तप से, आप जितने कठिन परिश्रम से आप इस व्रत को कर रही हैं, इतने कठिन परिश्रम से आज तक ना कभी किसी ने किया है, ना कभी कोई कर पाएगा। हे देवी, हम सब आपके तप से बहुत प्रसन्न हैं और हम आपको ये वरदान देते हैं माँ कि आप अपनी तपस्या को यहीं पे अंत करें, यहीं पे विराम दें और आप घर जाएं और आपको पति के स्वरूप में भोलेनाथ ही मिलेंगे। माँ ने ऋषि मुनि द्वारा ये बात सुनकर, माँ ने अपने तपस्या को, अपने जो कठोर उनका तप था उसको माँ ने वहीं विराम दिया और माँ अपने घर चली गई। और माँ के इस तपस्या को देखकर, इस कठिन परिश्रम, इस कठिन व्रत को देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ के साथ विवाह किया। जो भक्त इस व्रत को बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ अच्छे से करते हैं, माँ का ध्यान लगाते हैं, माँ के नाम की माला जपते हैं, जयकारा करते हैं, जगराता करते हैं, माँ उन पर प्रसन्न होती हैं और उनको मनवांछित पर फल देती हैं। माँ का यह स्वरूप भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए माना जाता है। कहा जाता है कि माँ का ये स्वरूप सबसे सुंदर स्वरूप है, सबसे मोहनीय स्वरूप है और जो भी माँ की इस व्रत को सच्चे दिल से करता है, माँ उसकी सभी मनोरथ को, सभी मनोकामना को पूरी करती है। तो ये था आज दूसरे दिन का माँ ब्रह्मचारिणी का कथा। मेरी आप सबसे यही विनती है कि सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से आप माँ का जप करें, माँ का नाम लें, माँ की पूजा करें और माँ तो होती ही है भक्तों की, अपने बच्चों की हर मनोकामना पूरी करने वाली, तो माँ आपकी, हमारी, हम सब की मनोकामना पूरी करें, हम सब के दामन को खुशियों से भर दें। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय माता दी, आपका दिन शुभ रहे, अच्छे से अपनी व्रत, अपनी पूजा करिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय माता दी।